आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन देके रखा है हमें यहाँ पे, रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट 160 मीटर बाय 45 मीटर हैज ग्रेवल पाथ 3 मीटर वाइड ऑल फोर साइड्स इनसाइड इट, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया और अंदर रेक्टेंगल बना लिया, तो जो हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगल ग्रासी पाथ का निकालना है जो ग्रे किया ये 3 मीटर। तो हमने क्या किया, इसका एरिया हमें निकालना है, इसमें ये जो है इसका एरिया हमें निकालना है और इसका मेजरमेंट भी हमें देख रखा है, ये देख रखा है 160 मीटर का लेंथ है और ब्रेथ कितना दे रहा है 45। बाद में क्या बोला, ऑल फोर साइड से जो 3 मीटर जो वाइड है इनसाइड की तरफ, फोर चारों तरफ, तो ये जो है ये भी 3 मीटर है यहां से लेके यहां तक, ये भी 3 मीटर है यहां से लेके यहां तक, ये भी 3 मीटर है एंड ये भी 3 मीटर है। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया निकालना पाथ का। ये जो पाथ है येलो येलो मैंने किया है, इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। रेक्टेंगुलर ग्रास का ये लेंथ देके रखा है, ये ब्रेथ देके रखा है, तो लेंथ, लेट एल इक्वल टू लेंथ एंड बी इज इक्वल टू, हमने मान लिया इधर ब्रेथ ऑफ बिगर ट्रायंगल। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट ये हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, और हमारा एल क्या देकर रखा है, एल देकर रखा 160 इंटू 45, तो कैलकुलेट करेंगे 16, 45 से होता है 72 एंड 20। तो हमारा एरिया क्या आ गया, हमारा बड़े वाले का पूरे प्लॉट का एरिया कितना आ गया, 7200 और यूनिट क्या देगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ इधर ग्रेसी प्लॉट। अभी सेकंड में क्या हो रहा है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ जो छोटे वाले का, छोटे वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे न्यू लेंथ, न्यू लेंथ को हमने एल डैश से मान लिया, तो हमारा L क्या हो जाएगा, 160 था, 160 में से 3 जो है इस साइड वाला माइनस होगा और 3 इस साइड वाला, 6 कम हुआ है तो 3 माइनस 3 ये निकल के आ गया 154 मीटर। जो ब्रेथ को हमने B' मान लिया, तो जो ब्रेथ क्या निकल क्या था हमारा 45, तो अभी दोनों तरफ से ब्रेथ ये वाला भी कम जाएगा और ये वाला भी 3 कम होगा, तो माइनस कर दें दोनों को, 3 माइनस किया ये हमारा निकल के आ गया 3 और 3 6 और 6 जाएगा 45 में जाएगा 39 मीटर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू एरिया निकाल लेते हैं, तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, तो न्यू लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, तो न्यू लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, न्यू एरिया, न्यू एरिया क्या हो जाएगा, एल डैश इनटू बी डैश, एल क्या देकर के एल डैश हमारा 154 है और 39 हमने निकाला है, तो 154 को जब 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6006 और यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है इस पाथ का, तो क्या अगर टोटल में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ का क्या करेंगे निकालने के लिए, माइनस कर देंगे टोटल एरिया, या फिर टोटल एरिया लिख देते हैं, टोटल एरिया में से ये जो एल डैश बी डैश का एरिया निकाला है, न्यू एरिया जो है ऑफ फील्ड जो है माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल एरिया क्या निकाला था हमने, 7200 एंड न्यू एरिया क्या निकाला फील्ड का, 6006। माइनस इसको करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1194 आ जाएगा। अभी चेक करेंगे 1194 क्या निकला है हमारा, एरिया ऑफ पाथ, इधर लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाथ हमारा निकला है, एरिया ऑफ जो पाथ है ये निकला है 1194, एरिया है यूनिट स्क्वायर में होगी, मीटर में देख रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
चेक करें कौन से वाले ऑप्शन मैच कर रहा है, 1194। तो 1194 चेक करें कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच कर रहा है 1194 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।